हाय फ्रेंड्स, मैं गौरांग मेहता, आपका म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। आज मैं गिटार के पार्ट्स के बारे में समझाऊंगा आपको कि कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। ये जो है इसे बॉडी कहते हैं, मेन बॉडी ऑफ गिटार। ये साउंड बॉक्स कहा जाता है। जब हम प्ले करते हैं अंदर जाके एम्पलीफाइंग होता है, वो साउंडिंग करता है, अच्छा सा लाउड साउंडिंग करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। मेन बॉडी ऑफ गिटार, इसे बॉक्स गिटार भी कहा जाता है। पहले के ज़माने में लोग इसे बॉक्स गिटार के नाम से ही जाने जाते थे। उसके बाद स्पेनिश गिटार, उसके नाम से भी जाना जाता है। अभी की जनरेशन इसे एकॉस्टिक गिटार कहते हैं। तो वही गिटार है, कॉमन गिटार है, कोई अलग गिटार अलग टाइप का गिटार नहीं है, एक ही टाइप का गिटार है। तो बॉक्स गिटार, स्पेनिश गिटार, एकॉस्टिक गिटार चीज़ एक ही है। ओके, तो यही टाइप का गिटार होता है। ये हो गया साउंड बॉक्स। ये जो पार्ट है उसको साउंड होल कहते हैं। इस जगह को साउंड होल कहते हैं। साउंड होल दो तरह के होते हैं, एक राउंड होता है और एक दूसरा एफ कट साइज में होता है, एफ साइज में, जो इसे एफ कट कहा जाता है। तो दो तरह के साउंड होल होते हैं, एक राउंड होल और एक एफ कट। ये जो पार्ट है इसे ब्रिज कहते हैं, गिटार के ब्रिज। दिस अ ब्रिज पिन, ये जो है उसे ब्रिज पिन कहते हैं। ये जो पार्ट है उसको सैडल कहते हैं, ब्रिज सैडल। तो ये हो गया आपका ब्रिज, ये हो गया ब्रिज पिन और ये हो गया ब्रिज सैडल। आइए अब चलते स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। स्ट्रिंग्स नंबर वन, जो थिन वाला है नीचे वाला, उसे स्ट्रिंग्स नंबर वन कहेंगे। स्ट्रिंग्स नंबर टू, स्ट्रिंग्स नंबर थ्री, स्ट्रिंग्स नंबर फोर एंड स्ट्रिंग्स नंबर फाइव एंड सिक्स। स्टैंडर्ड गिटार को छह स्ट्रिंग्स होती है। तो वन इज द थिनेस्ट वन, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। थिकनेस बढ़ती जाएगी जैसे नंबर बढ़ेगा। फर्स्ट स्ट्रिंग इज द थिनेस्ट वन एंड सिक्स स्ट्रिंग इज द थिकेस्ट वन, थिन टू थिक। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिक्स स्ट्रिंग्स को ही फर्स्ट स्ट्रिंग्स कहते हैं, क्योंकि ये सबसे नज़दीक होता है। तो ये सिक्स स्ट्रिंग्स से फर्स्ट स्ट्रिंग्स नीचे से शुरू होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नंबर इंक्रीज, थिकनेस इंक्रीज, खास ध्यान रखिए, नीचे से ऊपर तक आना है, वन टू सिक्स। नाउ फर्स्ट स्ट्रिंग्स को ई स्ट्रिंग्स का कहते हैं, क्योंकि जब ई स्ट्रिंग्स हम ओपन प्ले करते हैं तो ये ई नोट प्ले होता है, तो इसीलिए इसको ई नोट कहते हैं, ई स्ट्रिंग्स कहते हैं। सेकंड स्ट्रिंग्स को जब हम बजाते हैं ओपन तो वो बी नोट प्ले होता है, इसीलिए सेकंड स्ट्रिंग्स को बी कहते हैं। थर्ड स्ट्रिंग्स को जी स्ट्रिंग्स कहते हैं। फोर्थ स्ट्रिंग्स को डी स्ट्रिंग्स कहते हैं। फिफ्थ को ए स्ट्रिंग्स कहते हैं एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग्स को ई स्ट्रिंग्स कहते हैं। नाउ फर्स्ट एंड सिक्स बोथ आर ई स्ट्रिंग्स, बट फर्स्ट इज अ हायर वन ई और सिक्स इज अ लोअर वन ई। तो खास ध्यान रखिए, स्ट्रिंग्स के नेम और नंबर दोनों से हमें जानना है। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग्स नेम। ये जो पार्ट है उसे फ्रेट कहते हैं, जो ब्रास लाइन है तो इसे कहते हैं फ्रेट। फ्रेट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लाइक इसे हम फ्रेट बोर्ड या फिंगर बोर्ड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्रेट आया इसलिए फ्रेट बोर्ड कहते हैं, और यहाँ पर हम फिंगर रखते हैं इसलिए फिंगर बोर्ड कहते हैं। तो दोनों चीज़ एक ही है, फ्रेट बोर्ड और फिंगर बोर्ड। तो दिस पार्ट को लो फ्रेट बोर्ड और फिंगर बोर्ड। ये वाइट पार्ट को हम लोग नट कहते हैं, नट। ये डॉट किया हुआ है उसे मार्कर कहते हैं। नॉर्मली मार्कर थर्ड फिफ्थ सेवन नाइन एंड ट्वेल्थ पे, ट्वेल्थ पे दो डॉट होता है। ओके, दो मार्कर होता है, तीसरा मार्किंग किया रहता है। मार्किंग इसके लिए होता है कि जब हम ऐसे बजाते हैं तो फ्रेटबोर्ड नॉर्मली सामने वाले के साइड में होता है, हमें बैक नेक दिखता है। तो यहाँ फ्रेटबोर्ड साइड पे भी मार्किंग किया हुआ रहता है। ये देखिए मार्किंग सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ से जब परफॉर्मर होता है तो उसे यहाँ से समझ में आता है कि उसकी फिंगर कौन से फ्रेट पर रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर मार्कर दिया हुआ रहता था। मार्कर का यूज़ फिंगर प्लेसमेंट के रेफरेंस के लिए होता है। बैक पार्ट को लो नेक कहते हैं, ये जो पार्ट है नेक कहते हैं।
ये जो पार्ट है उसे ट्यूनिंग कीज कहते हैं, ट्यूनिंग पैग्स या ट्यूनिंग कीज। ये पार्ट को मशीन हेड कहते हैं और ये पार्ट को हेड स्टॉक कहते हैं, गिटार के हेड स्टॉक।